वैसे तो यार आप सभी यही सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हर देश की पॉपुलेशन बड़ी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और हर देश में लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दोस्तों पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी यार कमाल के आपको देश देखने को मिलेंगे जिनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ नहीं रही बल्कि दोस्तों माइनस में जा रही है, यानी वहाँ की पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज हो रही है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बेहद ही कुछ ऐसे डेवलप देशों के बारे में बताऊंगा जो बेहद ही तरक्की में तो यार आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज के दिन वो सामना कर रहे हैं लोगों की कमी का, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कपल्स बेबी लेना ही नहीं चाहते। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कमाल की डेवलप कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जिनकी पॉपुलेशन अगले 30 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। जैसे कि दोस्तों अगर किसी देश की पॉपुलेशन आज के दिन 5 करोड़ है तो उसकी पॉपुलेशन 2050 तक कम होकर 4 करोड़ ही रहने वाली है। तो ऐसे कौन कौन से देश है जिनके साथ ऐसा होगा, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक यार अपनी अभी से तैयार रखो, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही यार बेहद ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी। नंबर 10 नाम आता है दोस्तों अल्बानिया का। बैल्कन्स में मौजूद ये साउथ ईस्टर्न यूरोप की एक बेहद ही ज़्यादा डेवलप और एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत सी लगने वाली कंट्री है, लेकिन दोस्तों ये देश बिना यार पॉपुलेशन में लगातार पछड़ रहा है। वैसे तो यहाँ ये बात सामने आई है कि यहाँ की एक वुमेन एवरेज तौर पर 1.64 बच्चों को जन्म देती है, यानी एक वुमेन लगभग 1.5 बच्चे को तो जन्म दे ही देती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी रिपोर्ट्स का ये कहना है कि बहुत सारी वुमेन यहाँ पर बच्चों को जन्म ही नहीं देती और बहुत सारे कपल्स बेबी लेना नहीं चाहते, जिसके चलते 2020 में जो इसकी पॉपुलेशन 28 लाख की है वो 2050 में कम होकर रह जाएगी सिर्फ 24 लाख की, और इस तरीके से तकरीबन 16% पॉपुलेशन गिर जाएगी दोस्तों इस देश की। नंबर 9 पर नाम आता है जापान का। आज के दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में यही देश माहिर माना जाता है, लेकिन बेहद ही आपको चौंकाने वाली ये बात लग सकती है कि आने वाले समय में इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होने वाली है। वैसे देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों में ही जापान की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा यार स्लो डाउन तो हुई है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये होने वाली है कि आने वाले समय में यहाँ पर पॉपुलेशन की भी काफ़ी कमी होगी। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन तो दोस्तों जापान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 12 करोड़ और 65 लाख के आसपास है, लेकिन 2050 तक जापान की यही पॉपुलेशन तकरीबन 10 करोड़ और 55 लाख तक रह जाएगी, यानी दोस्तों पॉपुलेशन में गिरावट आ जाएगी तकरीबन 16.33% तक। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है मॉल्डोवा का। असल में ये यूरोप में बसी हुई एक कमाल कंट्री तो ज़रूर है, लेकिन दोस्तों रिपब्लिक ऑफ मॉल्डोवा के नाम से मशहूर इस कंट्री की हालत पैसे के तौर पर यार उतनी अच्छी तो आज के दिन बिल्कुल नहीं, और इसे यूरोप की एक काफ़ी गरीब कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। आज के दिन 2020 में दोस्तों मॉल्डोवा की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 40 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि 2050 तक यहां की पॉपुलेशन तकरीबन 34 लाख और 40,000 के पास ही आ जाएगी, यानी दोस्तों पॉपुलेशन में डिक्लाइन आने वाला है तकरीबन 16.70% का। नंबर 7 नाम आता है दोस्तों क्रोएशिया का। बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों इस कंट्री के बारे में 2018 के फीफा वर्ल्ड कप के चलते पता चला था जब इसका फाइनल मैच हुआ था, लेकिन हालांकि दोस्तों ये टीम हार गई थी फाइनल में फ्रांस से। वहीं दोस्तों अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये देश सही में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है और यूरोप की इसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज में अक्सर गिना जाता है। आज के दिन दोस्तों 2020-21 में इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 41 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि आने वाले समय में इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 34 लाख तक ही लुढ़क कर आ जाएगी, और ये आंकड़ा दोस्तों आएगा तकरीबन 2050 के साल तक, यानी अगले 30 सालों के अंदर इसकी पॉपुलेशन यार 18% तक कम होने वाली है। वहीं अगर बात नंबर 6 की करें तो नाम आता है बोस्निया एंड हर्जगोविनिया का। ये दोस्तों असल में यूरोप की एक कंट्री है और यूरोप की एक कंट्री वैसे तो काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों पॉल्यूशन की समस्या आपको पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलेगी। आज के दिन तो यूरोप की इस कमाल कंट्री की दोस्तों पॉपुलेशन तकरीबन 33 लाख तक पहुँच चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि आने वाले 2050 तक ये पॉपुलेशन कम होकर आ जाएगी सिर्फ 27 लाख तक, यानी दोस्तों पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन अगले 30 सालों के अंदर यार बोस्निया में आने वाला है।
और इस कंट्री की पॉपुलेशन गिर जाएगी तकरीबन 18.22% की दर से। वहीं आगे बढ़ते हुए नंबर 5 की यार बात करें तो नाम आता है सर्बिया का। ये भी असल में यूरोप की एक कंट्री है, हालांकि इसे यूरोप की बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री के तौर पर तो नहीं जाना जाता, लेकिन बहुत सारे लोग जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं वो अक्सर इस कंट्री को विजिट ज़रूर करते हैं। सर्बिया दोस्तों यूरोप का वैसे काफ़ी ज़्यादा कमाल देश है, और यहाँ पर भी आपको करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी यूरोप की ज़्यादा कंट्रीज़ की तरह। रिपब्लिक ऑफ सर्बिया की आज के दिन टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 87 लाख के आसपास, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक सर्बिया की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी सिर्फ 71 लाख, यानी पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा तकरीबन 18.90% का। वहीं आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो नाम आता है या यूक्रेन का। ये भी यूरोप में बसी हुई एक बेहद ही कमाल कंट्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर देश के अंदर पैसे की यार काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसीलिए एक समय पर तो ये देश इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की भी सहूलत देता था, और ऐसा दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज करती हुई नज़र आए ऐसा बेहद ही कम देखने को मिलता है। वैसे ये कंट्री पूरी दुनिया में यार अपनी लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं। क्रिश्चियन धर्म के तरफ से डोमिनेट किया जाने वाला ये देश दोस्तों आज के दिन पहुँच चुका है आबादी के मामले में तकरीबन 43 लाख के आसपास है, लेकिन 2050 तक यार इसकी पॉपुलेशन कम होकर आ जाएगी सिर्फ 35 लाख के आसपास, और इस तरीके से दोस्तों इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तकरीबन 19.54% की तेज रफ्तार दर से। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात नंबर 3 की करें तो यार नाम आता है लातविया का। ये भी दोस्तों असल में यूरोप में बसी हुई एक बेहद ही कमाल की कंट्री है, डेवलपमेंट के मामले में तो यार इस कंट्री के क्या ही कहने, हालांकि एरिया के मामले में भी ये काफ़ी छोटी है और यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है सिर्फ 19,20,000 के आसपास, लेकिन आने वाले समय में तो ये पॉपुलेशन कम होकर रह जाएगी सिर्फ 15,12,000 के आसपास, यानी दोस्तों डिक्लाइन होगा पॉपुलेशन में तकरीबन 21.63% की दर से। वहीं नंबर 2 की तरफ पड़े तो दोस्तों नाम आता है यार लिथुएनिया का। लिथुएनिया जिसे दोस्तों पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लिथुएनिया के नाम से जानती है, ये भी आपको बाल्टिक रीजन ऑफ यूरोप में बसी हुई एक बेहद ही कमाल की कंट्री देखने को मिलेगी। आज के दिन लिथुएनिया की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 27 लाख के आसपास है, और ये रिपोर्ट है दोस्तों 2020 के साल की, लेकिन 2050 का साल आते आते लिथुएनिया की टोटल पॉपुलेशन कम होकर आ जाएगी सिर्फ 21 लाख पर, यानी दोस्तों पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा तकरीबन 22.10% का। वहीं अगर नंबर 1 की तरफ पड़े तो यार नाम आता है बुल्गारिया का। ये वही कंट्री है दोस्तों जो अपनी हिस्ट्री के लिए बेहद ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और महान भविष्यकर्ता बाबा वेंगा भी यहीं की थी। बाल्कन्स में मौजूद ये कंट्री वैसे दोस्तों खूबसूरती के मामले में तो इसके नज़ारे यार देखने लायक हैं, लेकिन वहीं इसका कौड़ा सच ये भी है कि ये तरक्की में यूरोप की काफ़ी ज़्यादा पछड़ी हुई कंट्री मानी जाती है। वैसे आज के दिन इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 69 लाख के आसपास है, लेकिन 2050 का साल आते आते इसकी पॉपुलेशन कम होकर रह जाएगी सिर्फ 54 लाख, यानी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आने वाला है तकरीबन 22.50% का। तो दोस्तों ये हैं दुनिया की वो कुछ खास कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन यार अगले 30 सालों में ना काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई हमें नज़र आएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।